परफॉर्मेंस भी अच्छा था, दैट्स व्हाट आई फेल्ट. इट वाज नाइस, बस आई फेल्ट लाइक इट कुड हैव बीन बेटर, अ लिटिल बेटर. डायरेक्शन वाज गुड, अच्छा लगा. द स्टोरी प्लॉट वाज प्लेस्ड इन अ वेरी नाइस वे. एवरीथिंग अबाउट द मूवी वाज गुड, द वे इट वाज यू नो सेट आउट एंड एवरीथिंग वाज गुड. फिल्म अच्छी लगी मुझे. ओके, परफॉर्मेंस की बात करें अर्जुन कपूर की, तो कैसी लगी आपको? परफॉर्मेंस अच्छी है अर्जुन कपूर की. इनफैक्ट बाकी जितने भी एक्टर्स हैं सबकी अच्छी परफॉर्मेंस है, काफ़ी बिलीवेबल परफॉर्मेंस. फिल्म रियलिस्टिक है और उस मुझे कितनी रियल लगी ये इम्पॉर्टेंट नहीं है. इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो उनका सेंटिमेंट है कि जैसे फिल्म के एंड में ऐसा होता है कि जो उन्होंने अचीव किया है इंडिया के लिए उस पर उनको क्रेडिट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उनको हम पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि वो लोग कौन हैं. तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि हमारे लिए काम करते हैं ताकि हम सब ये इंटरव्यू कर पाएँ, जाके फिल्म देख पाएँ. सो आई थिंक दैट्स समथिंग दैट वी शुड बी टॉकिंग अबाउट मोर. फर्स्ट ऑफ मुझे बहुत अच्छी लगी ये राजकुमार गुप्ता ने जो डायरेक्ट की है ये मूवी. है एक रियल लाइफ स्टोरी है कि किस तरह एक बहुत ही खूंखार टेररिस्ट को पकड़ा जाता है, और उसमें पूरा उनका मोडस ऑपरेंडी, उनका एक्शन प्लान दिखाया गया है. 5 लोगों की टीम है, तो वो किस तरह एक्शन प्लान बनाते हैं, किस तरह कोड लैंग्वेज में बात करते हैं. और 2 घंटे की मूवी है, एडिटिंग बहुत अच्छी है, कहीं भी आप बोर नहीं होंगे. 2 घंटे कैसे बीत जाएंगे, यू लूज ट्रैक ऑफ टाइम. बहुत ही अच्छी मूवी है जी, बहुत ही संजीदा परफॉर्मेंस है. आई थिंक वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंसेज, क्योंकि पूरी मूवी में वही है मेन प्रोटैगनिस्ट. उनके साथ जो सह कलाकार हैं प्रवीण, देवेंद्र, गौरव, जितने भी हैं, राजेश शर्मा जो एक बहुत ही जाने माने एक्टर है, और एक कांतिलाल मुखर्जी, जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबके रोल बहुत अच्छे हैं. लेकिन अर्जुन कपूर आई थिंक ही स्टैंड्स आउट. आई थिंक उनको इस तरह के रोल्स करने चाहिए, क्योंकि पूरी मूवी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है. और किस तरह बिना वेपन्स के भी टेररिस्ट को पकड़ा जा सकता है वो इसमें दिखाया गया है, जो बहुत ही काबिल तारीफ़ है.